सीबीएसई रो नुआ फॉर्मेट वर्ष को दुई थर हेबो बोर्ड परीक्षा एभली निष्पत्ति को छात्र छात्री स्वागत करबा सह आश्वस्ति होइछंती। परीक्षा संपूर्ण बातिल हेबा अपेक्षा दुई थर परीक्षा देबा भलो। सेपटे नवंबर रे हेबा कुतिबा प्रथम पर्याय बोर्ड परीक्षा पय आरंभ होइछि पाठ पढा। दुई थर हेबो बोर्ड परीक्षा उभय दशम द्वादश श्रेणी रो वर्ष को दुई थर बोर्ड परीक्षा करबा को निष्पत्ति लेछि सीबीएसई। नवंबर और डिसेंबर मध्य प्रथम बोर्ड परीक्षा एवं फरवरी और मार्च मास मध्य द्वितीय बोर्ड परीक्षा करा जिवो। उभय परीक्षा रे 50% नंबर परीक्षा हो। हेले नवंबर मास रे केवल ऑब्जेक्टिव बा एमसीक्यू प्रश्नपत्र परीक्षा हो। स्थिति भलो थिले ऑफलाइन परीक्षा करिवो स्कूल सेतबे स्वतंत्र ऑब्जर्वर रहिबे नचेत ऑनलाइन रे परीक्षा हो। सेबडी प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल रेकॉर्ड रखिबा को स्कूल गोरी को निर्देश दैछि सीबीएसई जहाँ को केन्द्र करी आवश्यक स्थले मार्क दिया जिवो। कोरोना महामारी समय परीक्षा को सहज और सरलीकरण करिबा सह फाइनल पाई मार्क दबार व्यवस्था करबा उद्देश्य रे एभली नियम लागू होईची जहां द्वारा स्कूल कर्तृपक्ष मध्य एक निष्कर्ष पाई परिछंती जे वर्तमान पाठपढ़ार दिग कोन रहिबो। सीपीएससी जो नोटिफिकेशन बाहर करची पूरा सिलेबस को दि भाग रे विभक्त करची। प्रथम टर्म 50 भाग, द्वितीय टर्म 50 भाग। ओडिसा रे हमर जो क्लाइमेट अदर थिंग जदि सिचुएशन एम्ती रहिला ताले आमे नवंबर डिसेंबर रे एग्जामिनेशन नेबु फर्स्ट टर्म रे। तेणु नवंबर डिसेंबर रे तले आमे एग्जामिनेशन नेबु फर्स्ट टर्म रो एवं मार्च अप्रैल नेबु सेकंड टर्म रो। साउथ रे से माने जून रे जून 15 रे से स्कूल खोलन से तांकर नवंबर रे हबो आ हमरो आगे हि जीवो त हमरो आगे जो हबो ऑब्जेक्टिव टाइप हि होउची। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ता जदि भी जा भी स्कूल रे करिया को इच्छा जदि स्कूल रे हबो ताले गोटे ऑब्जर्वर आसवे सीबीएसई रे ऑब्जर्वर आसवे नले आसीके हम देखिके हमर गोटे खबर। चलित वर्ष कोरोना भयावहता को लक्ष्य रखे बोर्ड परीक्षा बातिल कर दैतिला जहां द्वारा छात्र छात्री अनेक क्षति सोइतले। एपरी कि अनेक राज्य रे आदम परीक्षा होनेतवारु विगत वर्ष परीक्षा को आधार करी मूल्यांकन करबा को पडतिला। एणु चलित वर्ष शिक्षा आरंभ रु एभली निष्पत्ति नैछि सीबीएसई। ते प्रथम रु एभली निष्पत्ति को स्वागत करछन्ति अभिभावक। छात्र छात्री भी परीक्षा को नै बेस उत्साहित थबा कहछन्ति। मतलब चुनती एटा गोटे करेक्ट डिसीजन टे आउ सीबीएसई पैंडेमिक रा सिचुएशन को देखी कि जो डिसीजन टा नहीं ची सेटा गोटे भलो डिसीजन टे काहे कि इवन दो हमको जाना चाहिए कि ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन टा केबे भी हमरो ऑफलाइन संगे कोबअप कर पारि बने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जतिक भी होता संगे रे। फर्स्टली जो करिकुलम रे चेंज आस छि कि टर्म 1 और टर्म 2 हे जबो दैट आई फील इज वेरी हेल्पफुल काहे कि ना स्टूडेंट्स माने तांकर स्टडी से हिसाब रे डिवाइड कर पारिबे हमको एकाठी बहुत पाठ पढ़िया को पढ़ी तो एग्जाम प्रेशर टी कमी जीवो। आउ सेकेंड जिनस है क्वेश्चन पैटर्न इज वेरी डिफरेंट एथर को बेसी एमसीक्यू आउ केस बेस्ड स्टडीज हो जीवो। थैंक्स टू सीबीएसई ए वर्ष आमको सर्कुलर टा जल्दी आसीला जो मैंने 12th क्लास रे पढ़ुछंती से मानकर नेक्स्ट ईयर जो मैंने 2022 रे एग्जाम देबे से मानकर किमती पैटर्न एग्जाम देबे 50% नवंबर एबे दे देबे परीक्षा नेक्स्ट मार्च अप्रैल बड़क आउ 50% सिलेबस रे परीक्षा देबे। सो इट इज अ गुड थिंग इट्स अ गुड थिंग हमको किछ क्लैरिटी मिलिला। एबे नजर राज्य बोर्ड उपरे सीबीएसई बले राज्य बोर्ड गणशिक्षा विभाग नेबकी निष्पत्ति ना पूर्व बली रहिबो व्यवस्था। भुवनेश्वर कैमरामैन आदित्य बारिक सहित निरुपम बेहरा न्यूज 18 ओडिया।